मोहन यादव अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। मोहन यादव मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में नजर आए और अब खुले बोरवेल को लेकर उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक हुई और इस बैठक में उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि खुले बोरवेल नहीं मिलने चाहिए। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार बीते दिनों में ऐसे मामले सामने आए जहां खुले बोरवेल में कई बच्चे गिर गए थे, जिसमें से कुछ बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया लेकिन कुछ बच्चों को नहीं बचा पाए। इसकी वजह से लेकर अब मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव ने सबसे पहले इसको लेकर बात की है। उन्होंने कहा है कि जो भी खुले बोरवेल हैं उसको उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें बंद कराया जाए और अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई देखने को मिले। वरिष्ठ अधिकारियों को साथ बैठक करके उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। और बड़ी अपडेट आपको बता दें, खुले बोरवेल को लेकर अब मुख्यमंत्री मोहन यादव सतर्क नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर इसमें बिल्कुल भी लापरवाही न बरतने की बात कही है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर इस तरह की शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर उसको लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब खुले बोरवेल को लेकर पूरी तरह से प्रशासन सख्त हो जाएगा क्योंकि नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे लेकर साफ तौर पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की स्थितियां अब प्रदेश में दोबारा ना बन पाए। तो बता दें आपको कि पहली बैठक कल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ली थी और उसके बाद लगातार प्रदेश को लेकर एक के बाद एक कई बड़े फैसले वो ले रहे हैं। मांस मटन की दुकानों को लेकर फैसला लिया, इसके साथ ही लाउड स्पीकर्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया और आज एक महत्वपूर्ण फैसला ये आपको बता दें कि खुले बोरवेल को लेकर, क्योंकि पिछले एक साल की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कई बड़े मामले और कई मासूम इसकी चपेट में आए हैं जिनकी मृत्यु भी हुई है खुले बोरवेल में गिरने को लेकर। लापरवाही बच्चों पर भारी पड़ी, ऐसे में अब इसे लेकर सरकार बड़ी गंभीर नजर आ रही है। मनोज जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, नजर आ रहा है कि बहुत गंभीर है तमाम विषयों को लेकर और खासतौर पर जो एक के बाद एक खबरें निकलकर सामने आ रही थी खुले बोरवेल को लेकर, तो उसमें भी काफी गंभीरता दिखाई दे रही है सरकार की। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये समझ रहे हैं कि जनता से जुड़ी हुई चीजों को लेकर कितनी क्या कुछ नया है और उसी बात को लेकर आज बैठक भी थी। एसीएस के साथ बैठक हुई है, कलेक्टर और कमिश्नर के साथ बैठक हुई है और उस बैठक के उपरांत फिर ये तय हुआ है कि जो बोरवेल की घटना है, हमने देखा लगातार बीते यदि इसी महीने में देखे तो तीन ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आई और साल भर को यदि देख लें तो लगातार इसमें इजाफा हुआ है, तो काफी गंभीरताएं दिखाई और कलेक्टर को साफ निर्देश दिए। आज जब कलेक्टरों से मुलाकात हुई है तो साफ निर्देश दिए कि जहां भी है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और बहुत गंभीरता से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लिया है। और भी कई सारे निर्णय हैं जिसमें सीधा कहा गया है कि जनता के हित के जो भी मुद्दे हैं उस पर तत्काल कार्रवाई हो, खासकर पारदर्शिता की बात भी उन्होंने कही, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे आए। फिर उन्होंने कहा कि भी भ्रष्टाचार जैसी चीजें दिखाई देना चाहिए, हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं है, सवाल एक भी खड़ा नहीं होगा, यदि होता है तो फिर अफसरों की खैर नहीं। तो दो टूक कहा है अफसरों को, आज कमिश्नर और कलेक्टर से बात कर रहे थे डॉक्टर मोहन यादव। बिल्कुल, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खुले बोरवेल को लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इसी बीच